जिला मंडी के सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में गीता जयंती समारोह का आयोजन बड़ी धूमधाम के साथ किया गया, जिसमें बच्चों ने अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियां देते हुए दर्शकों का मन मोह लिया। गीता जयंती समारोह के बारे में जानकारी देते हुए स्कूल प्रधानाचार्य उमेश मंडियाल ने बताया कि गीता जयंती समारोह पिछले 5 वर्षों से सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में मनाई जा रही है। इसी समारोह का मुख्य उद्देश्य संस्कृति को संजोए रखना है। उन्होंने कहा कि समारोह में विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं करवाई गई, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये कार्यक्रम गीता जयंती का हिमाचल में शायद पहला स्कूल है जिसमें जिम्मेदारी होती है कि हम ये प्रोग्राम करेंगे, और पिछले 5 साल से हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने ये प्रयास किया था कि मंडी नगर के सभी स्कूलों के इसमें पार्टिसिपेशन हो, और मैं खुद भी, मेरा स्टाफ भी, ये हर स्कूल में गए। हमने उनको अपनी योजना समझाई कि पहले हर क्लास में हो, फिर उनका स्कूल लेवल पे जो टॉपर हैं लड़के 4, एक मिडिल के, 2 मिडिल के और 2 हायर के, वो इस स्कूल के आगे पार्टिसिपेट करें। तो आज स्कूलों में केवल बुकिश नॉलेज दी जा रही है, उनको असली ज्ञान नहीं दिया जा रहा। सरस्वती विद्या मंदिर मंडी की प्रबंध समिति ने ये एक बहुत बड़ा प्रयास किया। इस प्रयास के माध्यम से हम पूरे प्रदेश में गीता के ज्ञान का प्रसार करें। बच्चों को इनाम दिए गए, उनके खान की व्यवस्था की गई, उनको अच्छी गीता का जो अनुवादित गीता है वो प्रदान की गई। जो भी बढ़िया से बढ़िया काम, इसमें खर्चे के ऊपर कोई आपने नहीं देखा गया। बात यह थी कि महत्वपूर्ण के बच्चों को अधिक से अधिक ज्ञान गीता के माध्यम से पहुंच। वही मुख्य अतिथि बलवीर कुमार शर्मा ने बताया कि गीता जयंती समारोह हिमाचल के एकमात्र सरस्वती विद्या मंदिर स्कूल में ही मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि इस समारोह को पिछले 5 वर्षों से स्कूल में आयोजित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस समारोह में मंडी नगर के सभी स्कूल भाग लें, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। गीता जयंती समारोह हम पिछले लगातार 5 साल से मना रहे हैं, और ये जो समारोह है यह हमारी अपनी संस्कृति की पहचान करवाता है। इस बार का जो हमारा अध्याय है गीता जयंती समारोह मनाने में, गीता का वो है 8वां अध्याय। इसके ऊपर जो है हमारे इंटर हाउस कंपटीशन हो रहा है, जिसमें कनिष्ठ वर्ग है और वरिष्ठ वर्ग है। कनिष्ठ वर्ग में श्लोकाचरण प्रतियोगिता है और भाषण, और वरिष्ठ वर्ग में भाषण प्रतियोगिता है। इन दोनों जो प्रतियोगिता है इनके विजेताओं को प्राइज दिए जाते हैं। ये इंटर हाउस है तो ऑब्वियसली 4 हाउसेज हैं हमारे, तो 4 हाउस में से जो एक एक हाउस के जो टॉप पर रहेगा उसको फर्स्ट प्राइज दिया जाएगा, और जो नहीं रहेगा उसको एक कंसोलेशन प्राइज भी है। और इसके अलावा हमारे बच्चों ने आज बहुत ज्यादा अच्छे सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया, जिसमें एक नाट्य बहुत मशहूर है, कृष्ण लीलाओं के ऊपर आधारित नाटक था जो छोटे बच्चों ने किया,